श्वास ले, चित्त को आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगा, मन बुद्धि इंद्रियों को भूल कर शांत बैठ कर के कुछ भी ना करें। जगत के रंग देख लिए, रूप भी देख लिए, ढंग भी देख लिए। मीरा कहती है अब भीतर देखो, प्रभु के दीदार करना है। नानक जी कहते, बापू जी बोलते हैं देखो, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। से अधिक ट्रैफिक हो जाती है रोड पर तो पुलिस वाला परेशान हो जाता है। ऐसे ही जब अपने मस्तिष्क में जब विचारों का, संकल्प और विकल्पों का, राग और द्वेष का, मेरे और तेरे का ट्रैफिक अधिक हो जाता है, स्थिति अर्थात परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, हर हाल में हर जगह है, लेकिन उसकी अनुभूति हृदय से ही होती है। इसलिए थोड़ी देर हृदय में आ जाइए। खूब गहरा श्वास ले, चित्त को आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगाते हुए। नदी का किनारा है, गोमाता की जगह है गौशाला, जो कि अपने आप में तीर्थ कहलाती है। जहां गौशाला है, नदी है, पीपल का वृक्ष है, और ऐसी जगहों पर कुछ भी ना करें, शांत होकर के बैठे, मंद मंद बहती हुई हवाओं को महसूस करें, उसकी शीतलता को। जरूरी नहीं है कि सदैव हम कुछ ना कुछ कानों से सुने, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम आंखों से देखते ही रहें। जरूरी नहीं है कि सदैव बोलते ही रहें। भगवान की प्रार्थना में, भगवान नाम जप में, भगवत ध्यान में हमें शक्ति प्राप्त होती है। एक शक्ति नींद के द्वारा प्राप्त की जाती है निद्रा में, और वो शक्ति भी तब मिलती है जब हम भूल जाते हैं अपनी मैं को। इंद्रियां भी सो जाती है, मन भी सो जाता है, सिर्फ गहरी नींद में श्वास चलते हैं, लेकिन नींद बेहोशी है। गहरी नींद में इंद्रियों से गोचर होने वाले विषय नहीं भासते, लेकिन नींद में एक गहरी मूर्छा है, बेहोशी है, लेकिन ध्यान बेहोशी नहीं, अपने आप में होश आने की युक्ति है। और अपने आप में होश में आने के लिए थोड़ी देर मन बुद्धि इंद्रियों को भूल कर शांत बैठ कर के कुछ भी ना करें।
ना देखें ना सोचें, ना आलस से आए, ना निद्रा आए, ना तंद्रा आए, सिर्फ और सिर्फ श्वास चलेगी। हम श्वासों को थोड़ी देर देखें और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते देखते थोड़ी देर अगर हम देखते रहेंगे तो ये श्वास भी धीरे 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 गहरी चली जाएगी। कई देर तक श्वास लेना भी हम भूल जाएंगे। अधिक श्वास खर्च इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंख कहीं होती है, हमारा मन कहीं होता है, हमारी शरीर कहीं होता है, आपस में खिंचाव होता है, प्राण शक्ति खिंचती है, ध्यान में शक्ति का संचय होता है, शक्ति क्षीण नहीं होती। मन भी शरीर भी इंद्रियां भी सभी एक दिशा में और एक दशा में आ जाए, या यूं कहो कि हम हैं ही नहीं, ऐसी भावना से शांत होकर बैठते हैं। और जिस क्षण चित्त एकाग्र होता है उसी क्षण ईश्वरी कृपा गुरु कृपा से हम भीगने लगते हैं। हमारा हृदय आनंद से प्रेम से करुणा से ईश्वरी कृपा से भरने लगता है। ज्यों विचार उठता है त्यों हम हमारी प्राण शक्ति खींचने लगती है, मन तरंगित हो जाता है। जैसे शांत सरोवर में सरोवर का जल स्थिर रहता है लेकिन कंकड़ पड़ते ही तरंग उठ जाती है, ऐसी विचार और विचारों की तरंग उठते ही चित्त बाहर की तरफ भागने लगता है। उसी क्षण हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और उसी क्षण हम जो परमात्मा से जुड़ी हुई तार है वो टूट जाती है। परमात्मा से जुड़ना निर्विचार निसंकल्प अवस्था में शांत, और उसी के लिए है माला श्वासोश्वास की। भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। सब अभी मनमुख नहीं गुरुमुख होके बैठे हैं। मन अगर संसार की तरफ भागता है तो मनमुख, और अगर गुरु के परमात्मा के प्रभु के ध्यान में शांत होता है सुनना एक साधन है, साध्य नहीं। कीर्तन एक साधन है, साध्य नहीं। सत्संग भी एक साधन है, साध्य नहीं। अगर हम साधन को साध्य मानने लगे तो यात्रा रुक जाएगी। जैसे चप्पल इसलिए पहनी जाती कि कंकड़ ना चुभे, कांटा ना चुभे। घर के अंदर साफ सुथरी जगह पे आ गए तो फिर चप्पल की आवश्यकता नहीं, जूते की आवश्यकता नहीं, उतार देते हैं। मोटर और गाड़ी वाहन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि साधन है, कहीं जाना है, और वो जहां जाना है वो जगह आ जाती है, उस साधन को पार ही रख दिया जाता है। घर आ गया तो घर के भीतर आप कार को मोटरसाइकिल को साइकिल को लेके नहीं जाते, अथवा घर की छत पे जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाते हैं। छत आते ही सीढ़ियां अपने आप छूट जाती है, छत आ गई। ऐसे सुनना तब तक जब तक अनसुने में ना गए हो, लेकिन अगर सिर्फ सुन ही रहे हो, बाहर ही सुन रहे हो, अनसुने में नहीं गए तो सुनने का फायदा क्या है। छत पे ना पहुंचे तो फिर सीढ़ियों पे से चढ़ने का फायदा क्या, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। स
साधन पे नहीं रुकना चाहिए, साध्य तक पहुँच कर के साधन छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही अभी सत्संग में आए हैं तो सत्संग में ही आ जाओ, फिर सत्य का संग हो जाए। और सत्य का संग सिर्फ मैं बोलूं और आप सुने, कथा सत भागवत गीता रामायण उपनिषद प्रसंग दृष्टांत, वो सुनना सत्संग नहीं है। वो तो एक मन को थोड़ा सा बहिर्मुखता से अंतर्मुख करने के लिए थोड़ा सा बहाना है। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है थपकी दे के देके, प्यार भरी थपकी से, कोई गाना कोई लोरी सुनाते सुनाते बच्चे को नींद आ जाती है। यहाँ नींद में तो नहीं जाना है, यहाँ तो भगवान नाम लेते लेते, भगवान नाम का सिमरन करते करते, और सुमरन जीभ के द्वारा भी नहीं करना, सुमरन हो रहा है उस सुमरन में शांत होना। सीरियल आता है ना टीवी पे, तो उसको देखना पड़ता है, वो देखने का सुख। अगर वीडियो नहीं है, ऑडियो है, तो उसको कान में लगा के सुनना पड़ता है, वो सुनने का सुख है। लेकिन यहाँ देखना नहीं है। कई लोग जब भीतर देखने की बारी आती है, वो आँख खोल के बाहर देखते रहते हैं, पता नहीं बाहर किसको देखते हैं और क्या देखते हैं। मन को कहो कि बाहर तो बहुत देखा है, 20 साल हो गए देखते देखते, किसी को 25 तो किसी को 30, 40, 50, 60, 70, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग देख लिए, रूप भी देख लिए, ढंग भी देख लिए। मीरा कहती है अब भीतर देखो, उस प्रभु के दीदार करना है। नानक जी कहते भीतर देखो, बापू जी बोलते हैं देखो, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। आंख से जो कुछ सुनाई दिखाई पड़ता वो भी धोखा है, और कान से जो कुछ सुनाई पड़ रहा वो भी धोखा है, मन बुद्धि चित्त में जो भी आ रहा है वो भी धोखा है। लेकिन एक जो इन सब का साक्षी है, उसमें थोड़ी देर ठहरे। जिसका चित्त बहुत चंचल है, जो सिर्फ अपनी मस्तिष्क में ही जीता है, जो मस्तिष्क में जीता वो खुद परेशान रहता है। कई व्यक्ति की खोपड़ी खूब चलती है, बहुत खोपड़ी विचार चलते हैं, दिमाग चलता रहता है, वो खुद से खुद परेशान रहता है। जैसे अधिक ट्रैफिक हो जाती है रोड पर तो पुलिस वाला परेशान हो जाता है, ऐसे ही जब अपने मस्तिष्क में जब विचारों का, संकल्प और विकल्पों का, राग और द्वेष का, मेरे और तेरे का ट्रैफिक अधिक हो जाता है, हैंग हो जाता है। जैसे मोबाइल का डाटा अधिक बढ़ जाता है, स्पेस से अधिक अगर उसमें डाटा बढ़ जाता है तो वो हैंग हो जाता है। तो फालतू की चीजें उसमें से डिलीट करना पड़ता है, तब उसकी स्पीड बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम सब साधना में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, भगवान के भजन में स्पीड
बढ़ाना चाहते हैं तो मस्तिष्क में भरी हुई चीजों को डिलीट कर दें। जितना दिमाग खाली रहेगा, और खाली दिमाग दिमाग में ही रहोगे तो शैतान का घर बन जाएगा। थोड़ा मस्तिष्क से नीचे उतर जाए, हृदय में उतर कर आ जाए। हृदय को सींचे भगवत भक्ति से, भगवत ध्यान से। जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन में होती, ऐसे ही आनंद की जड़, शांति की जड़, प्रेम की जड़ वो हृदय है। मस्तिष्क को जैसे पत्ती टहनियां अलग अलग, मस्तिष्क में नहीं, मस्तिष्क से नीचे उतर जाए। और जो मस्तिष्क में ही जीता है वो परेशान हो जाता है। अनिद्रा का रोगी, डिप्रेशन का शिकार, क्रोध का शिकार। इसलिए परमात्मा का आनंद, परमात्मा की अनुभूति करना है तो थोड़ा हृदय में आए। जैसे शरीर के किसी भी अंग में कोई खाद्य पदार्थ को रखेंगे, पेड़ा मिठाई रसगुल्ला, उसका स्वाद नहीं आएगा, जीभा पी आएगा। ऐसे ही परमात्मा के आनंद का, परमात्मा के रस का जो स्थान है वो हृदय है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुनो तिष्ठति। अर्थात परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, हर काल में हर जगह है, लेकिन उसकी अनुभूति हृदय से ही होती है। इसलिए थोड़ी देर हृदय में आ जाइए। कहते भी है ना, कई बार हर बार दिमाग से काम लेने की आवश्यकता नहीं होती, दिल से भी काम लेना चाहिए। और हमेशा दिमाग की, कहते हैं ना, दिल की नहीं दिमाग की सोचो, लेकिन हर बार जरूरी नहीं आप दिमाग से ही सोचो, कभी दिल से भी सोचो। यहां तो सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, शांत। अब खूब गहरा श्वास ले। ओ शरीर को ढीला छोड़े, मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़े। किसी भी विचार को नहीं पकड़ना, फिर से श्वास भरे।